ट्रेन सेम है, ट्रेन पासिस टू पर्सन वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में दो पर्सन और दौड़ रहे हैं। करा ये गाड़ी उन दोनों पर्सन को 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार कर। अच्छा ये अलग अलग समय में क्यों पार कर रही है? तो क्योंकि एक स्लो क्योंकि है सर, एक फास्ट है, तो दो मैन है, स्लो। दोनों हाँ मैन सर, का स्पीड अलग अलग होगा, ट्रेन का तो स्पीड सेम होगा, ट्रेन का लेंथ सेम होगा, मैन का लेंथ 0 होता है, दूसरे मैन का भी 0 होगा, लेकिन ये टाइम अलग अलग क्यों हुआ? तो क्योंकि जब दो मैन है तो दोनों का स्पीड भी तो अलग अलग होगा और इसलिए टाइम अलग अलग हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर है तो यहां पूछ रहा है ट्रेन का स्पीड क्या होगा। जल्दी फास्ट, अच्छा बता ट्रेन का स्पीड एक्स मान ले क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग इसको एक्स किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, अब मैंने क्या बताया था कि जब दो स्पीड हो तो आप रिलेटिव स्पीड निकालो, दोनों के बदले एक स्पीड बनाओ, तो ट्रेन का स्पीड तो एक्स किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है दोनों मैन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। खूब गौर करो तो क्या आते समय तो अलग अलग लग रहा है, 10 और 11 सेकेंड, स्पीड भी अलग होगा, जैसे ही टाइम अलग तो स्पीड भी अलग, क्योंकि स्पीड ही चेंज करने के कारण ना टाइम अलग, तो क्या सेम होगा? तो देखो यहां कॉन्सेप्ट यही छिप रहा है कि डिस्टेंस विल बी सेम। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, क्योंकि वो लॉजिक आप लगा सकते हो, सोच सकते हो, और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पा रहा है फॉर्मूला और ट्रिक रट करके, तो आगे नहीं बहुत दिनों तक वो आपके पास रहने वाला है, एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादा नहीं सॉल्व होंगे। तो डिस्टेंस विल बी सेम, और डिस्टेंस क्या होता है? तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? तो L1 प्लस 0, क्योंकि मैन है, मैन को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस L1 प्लस 0, और वो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यानी हम लोग ऐसे कर ले कि पहले का D1 और दूसरे का D2 बराबर है, तो पहले का D1 क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, जब ट्रेन का स्पीड है x और पहले वाले मैन का 3, तो x-3 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्या? और दूसरे वाले का, यानी ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड, और दूसरे वाले का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x-5। x-5। हम लोग करने क्या जा रहा है, दोनों के लेंथ को इक्वल कर देंगे, तो लेंथ क्या होता है? तो लेंथ तो रिलेटिव स्पीड इनटू पहले का टाइम सर और 25 रिलेटिव स्पीड किलोमीटर इनटू पर आवर दूसरे सर। का जी टाइम। सर, 25 ट्वेंटी किलोमीटर फाइव पर आवर। किलोमीटर पर आवर सर। तो बताओ पहला तो हाँ x-3, ये तो किलोमीटर पर आवर में है कि नहीं है? तो इसको सबसे पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि समय तो सेकेंड में है, इंटू 10 सेकेंड, और ये x-5 इंटू 5/18, अब ये जो है मीटर पर सेकेंड में आ गया, क्यों? क्योंकि 11 सेकेंड है, अगर वो सेकेंड में नहीं रहता आवर में रहता तो हम लोग कुछ नहीं किया, 5/18 करना ही नहीं था, तो इंटू 11। ये अलग बात है कि सिंपलीफाई करोगे तो ये 5/18 कट जाएगा, कैंसिल और ये 5/18 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 25 सर। 25, और एक्स तो जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 25 किलोमीटर पर आवर। पर आवर ट्रेन अच्छा का देखो यार स्पीड। दो चीज पूछ सकता है, अगर पूछा कि ट्रेन का स्पीड तो एक्स यानी 25 किलोमीटर पर आवर, और अगर पूछता नहीं लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए, तो लेंथ पहले वाला लेंथ मीन्स डिस्टेंस यानी D1,
तो एक्स का वैल्यू, अच्छा बताओ यहां अगर लेंथ पूछता तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी कीजिए, फास्ट, सबसे पहले कौन बता रहा है? बोलेंगे इतना टाइम लग गया? सर, 550/9 किलोमीटर. वेरी गुड, यस सर, 550/9. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान रख दो पहले वाले में या दूसरे वाले में, आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है सबको कि दो चीज हाँ सर. पूछेगा? जैसे ही अब माइंड में रखना, दो अलग अलग चीज, यानी दो मैन पार जा रहा है और दोनों को ट्रेन पार कर रही है. मैन को, खासकर मैन को, या मैन को और ट्री को पार करे, मैन को और पोल को पार करे, जिसका लेंथ नहीं होगा दूसरा, तो वैसे केस में क्या होता है ना, लेंथ विल बी सेम. ऐसे ही कॉन्सेप्ट में लेंथ विल बी सेम, एक रेलगाड़ी एक पोल और एक मैन को पार कर रही है, लेंथ विल बी सेम. एक रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रहे, दो पर्सन को पार कर रही है, लेंथ विल बी सेम. एक रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, दो पर्सन को पार कर रही है, लेंथ विल बी सेम. बस यही क्लू लगाना है कि अच्छा यहाँ टाइम तो अलग अलग दे ही दिया है क्वेश्चन में, टाइम जब अलग अलग दे दिया तो स्पीड भी अलग अलग होगा, तो इक्वल क्या होगा, तो लेंथ विल बी सेम. किसी को प्रॉब्लम? कौन फिर से एक बार बता दीजिए को क्वेश्चन फिर से? को. हाँ हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए. क्वेश्चन ही नहीं समझोगे? क्वेश्चन समझो तो. तो क्वेश्चन तो समझ गए कि ट्रेन है और दो व्यक्ति उसी दिशा में जा रहे हैं, हाँ एक का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, एक को वो 10 सेकंड में पार कर रहा है, दूसरे को 11 सेकंड में पार कर रहा है, तो ट्रेन का स्पीड क्या है? तो लेंथ विल बी सेम, मैंने बताया लेंथ सेम होगा. अरे देखो ये मैन है, रेलगाड़ी इस मैन को पार करे, तो रेले गाड़ी ना पार करे, मैन का तो लेंथ 0 है. यस आज सर. दूसरा आदमी भी यहाँ है मान लो, और उसको भी रेलगाड़ी पार कर रही है, तो लेंथ विल बी सेम. आज जैसे ही लेंथ सोचोगे ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा, L1, क्योंकि मैन तो 0 है, तो L1 + 0 पहले वाले का भी और L1 + 0 दूसरे वाले का भी, तो लेंथ विल बी सेम. और ये L1 कैसे निकलता है, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम पहले का और रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम दूसरे का, ये वन वन ये टू इक्वल होगा. और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो एक जब ट्रेन चली रही है और मैन भी जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमको डायरेक्शन देखना होगा, सेम है कि अपोजिट है. सेम है तो x -3 कर लिया और यहां x -5 कर लिया, दोनों मीटर पर सेकेंड में है, दोनों टाइम सेकेंड में ही है. जल्दीबाजी में बनाते तो 5/18 नहीं भी करें, क्योंकि स्पीड ही पूछ रहा है, तो into 10 और यहाँ into 11 कर दो. और अगर 5/18 दोनों साइड करना है तो लिख लो, नहीं तो इसी को सॉल्व कर लो, एक्स आ गया आपका 25. एक्स तो हम लोगों ने माना था किलोमीटर पर आवर. यस अगला क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर टू. समझ में आ रहा है प्रशांत? प्रशांत समझ में आ रहा है? सर, 2 घंटा, टू ट्रेन दो स्टार्ट एट द घंटे सेम टाइम फॉर टू स्टेशन ए एंड बी टुवर्ड्स बी एंड ए, आंसर. डिस्टेंस मालूम है? यस अच्छा, पेन ही नहीं लगाना था, डिस्टेंस मालूम था, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू, तो हम लोग लिख दिए डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड. आरएस मतलब रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस है कितना, तो 220, और एक का स्पीड है 50 और दूसरे का है 60, तो 110 से दो बार में कट गया 2 आवर्स. वेरी गुड. क्वेश्चन को पकड़ो ना, क्वेश्चन को समझो, तो पढ़ने के साथ सॉल्व होता है. थर्ड,
तो सेकेंड में क्या था, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। देखो टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से क्या करा, एक दूसरे से मिलेगी, मिलेगी यानी टच ईच अदर, एक दूसरे को पार नहीं कर रहा है, मिलेगी। और अगले क्वेश्चन को देखो, टू ट्रेन दोनों का लेंथ मालूम है और दोनों का स्पीड भी मालूम है, द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, अभी देखो ये क्रॉस ईच अदर और विपरीत डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वही डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। और यहां डिस्टेंस क्या है, एल वन प्लस एल टू, आर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। अब ये ध्यान देना, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड कर लेना, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला तो मीटर में है, तो जब ऊपर मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड बना लिए। अब देखो तो 105 प्लस 6 सेकेंड डिवाइडेड बाय 45 प्लस 72 इनटू 5 बाय 18 यहां ले जाए, सिंपलीफाई कर लो, कितना आया, 6 सेकेंड। यस सर। किसको 5 आया जी? सर मेरा 6.5 आ गया सर। फिर से देखो। ओके सर। हाँ सर ठीक है सर। 6 ही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब सिंपलीफिकेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4। ऊपर से कट रहा है, ऊपर से कट रहा है फर्स्ट लाइन, नहीं कट रहा है सर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकेंड, यानी एक मैन जो है स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म क्या फाइंड करता है, दैट द ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू पास हिम, उस मैन को पार करने में 3 सेकेंड, एंड अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 4 सेकेंड। मतलब एक रेलगाड़ी जो मैन को 3 सेकेंड में पार कर रही है और दूसरी रेलगाड़ी मैन को 4 सेकेंड में, दोनों का लेंथ सेम है तो समय अलग अलग क्यों लगा, जरूर दोनों ट्रेन का स्पीड अलग अलग होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो 3 सेकेंड ले रहा होगा और जिसका स्पीड कम होगा वो 4 सेकेंड ले रहा होगा। तो क्वेश्चन ये नहीं, यानी एक मैन खड़ा है, एक ट्रेन उसको पार कर रही है, इधर से भी एक ट्रेन आ रही है उसको पार कर रही है, ये जो जा रही थी ट्रेन इस मैन को 3 सेकेंड में, और ये जो आ रही है वो था धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों का, उसको 4 सेकेंड लगता है। तो कह रहा है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, ये रेलगाड़ी एक मैन को, ये एक मैन है 3 सेकेंड में, और इधर से रेलगाड़ी आ रही है और उसी मैन को कितने समय में, 4 सेकेंड में। तो कह रहा इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, तो मान लो इस ट्रेन का लेंथ कितना, एल, इसका भी लेंथ इक्वल है तो एल होगा, और जब टाइम पूछ रहा है तो टाइम तो जब भी होगा तो एल वन प्लस एल टू, तो एल प्लस एल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होना चाहिए। बस इस कॉन्सेप्ट को यहां देखो, जब दो ट्रेन है तो दोनों का लेंथ चाहिए, अब ये एल प्लस एल क्या, एल वन प्लस एल टू। अब यहाँ पे L1 भी L ही है और L2 भी L ही है। अच्छा बता सकते हो क्या कि पहले वाले का यहाँ पे यानी S1 क्या होगा, पहले वाली X लिखे, X क्या होगा स्पीड, L1 by में 3 हो जाएगा, L by 3, और Y क्या होगा, प्लस L by 4,
सब लोग बताओ ये होगा 20, यस सर 24/7 आएगा, ये हो गया स्पीड। अब L प्लस L, तो यहां पे क्या लिखेंगे, L by 3 प्लस L by 4, तो ऊपर तो हो गया 2L और नीचे 4L प्लस 3L प्लस डिवाइडेड बाय 12 को ऊपर ले बाय 2L, तो 12 दुना 24L डिवाइडेड बाय 7L, L और L कैंसिल, 24/7। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। प्रॉब्लम वाले बोलिए, जो लोग सोच रहे हैं कि पूछे कि नहीं पूछे तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार और बता दीजिए सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर क्वेश्चन तो क्लियर है, सॉल्यूशन एक बार सर से समझा दीजिए सर। कह रहा है क्या कि एक देखो ये मैन खड़ा है, दिख रहा है मैन जैसा? हाँ सर। और ये रेलगाड़ी है L1, L है, तो ये इसको 3 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरी रेलगाड़ी है ये भी L ही है, सेम लेंथ है, इसको 4 सेकंड लग रहा है। तो कह रहा है कि यानी ये और ये एक दूसरे को, यानी ये L था ये L था, कितने समय में पार करेगी? इसका स्पीड आ गया L by 3 और इसका स्पीड आया L by 4, तो इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर? टाइम, तो टाइम तो मैंने क्या बताया, L1 प्लस L2 तो होगा ही, L2 डिस्टेंस बाय टाइम, बाय अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए x प्लस y, अगर सेम डायरेक्शन होता तो x माइनस y, तो ये L और L ही था और ये L by 3 प्लस L by 4 था, सॉल्व किया 24/7 आ गया। सेकंड, ओके सर। अच्छा कल मैंने बोल दिया था कि कल क्लास होगा। हाँ सर क्लास में ही बोले थे आप। फिर भी बहुत लोग गायब हैं। खैर सब सोच रहा होंगे कि वीडियो तो मिल ही जाएगा, इसलिए वीडियो ही नहीं देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर, वीडियो दे दीजिए वो। दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक समान दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तेज वाली गाड़ी की लंबाई बताएं। टू ट्रेन ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ, पहले का स्पीड मालूम दूसरे का स्पीड मालूम। फास्टर ट्रेन पासेस द मैन, मैन का लेंथ क्या होता है जी? जीरो। जीरो। फास्टर ट्रेन पासेस द मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 10 सेकंड, डायरेक्शन सेम है। देखो एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी ये है, और एक मान लो अगर ये फास्टर है तो ये स्लोअर है, यहां पे वो आदमी बैठा है ये मैन है। पहले का लेंथ L1, दूसरे का लेंथ क्या होगा जल्दी बताओ सर? 25 हो जाएगा, 25 में तो आदमी बैठा हुआ है मैं, ये सर वो तो जीरो होगा, जीरो तो सर 75 आ रहा है। तो L1 प्लस जीरो इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। सब जगह देखो पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन है तो 56 - 29 और इनटू 5/18 कर लेंगे, 5/18 तो 15/2 हो जाएगा सर, इनटू 10 सेकंड है 75
तो ये आ गया 75 मीटर। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? गाड़ी जा रही है, एक मैन मैन अभी जा रहा है, तो मैन का वो स्पीड माना जाएगा क्योंकि गाड़ी मैन को पार कर रही है। तो जिस ट्रेन में मैन बैठा है, लेंथ ऑफ दैट ट्रेन विल बी जीरो। मैन जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन का लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि मैन को पार कर रही है गाड़ी। स्पीड तो दोनों का है और डायरेक्शन सेम है, सेम है डायरेक्शन, तो माइनस तो होगा ही, लेकिन रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, और वही हो जाएगा L1 प्लस जीरो। लेकिन अगर ट्रेन को पार करता तो L1 प्लस L2 होता, और वैसे केस में या तो L2 गिवन होता या कहता निकालिए। अगर इतना ही इंफॉर्मेशन होता, अब मैन के जगह केवल प्लेटफॉर्म कर दे या दूसरा वो ट्रेन को पार करे करते, तो यही इसका आंसर होता, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इनएडिक्वेट, डाटा नॉट सफिशियंट। क्यों? क्योंकि L1 प्लस L2 तब 75 हो जाता। तो अनलेस L1 और L2 इज गिवन, जब तक L1 या L2 दोनों में से कोई एक नहीं मालूम है, कैसे आप दूसरा बताओगे? या सम मोर इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए था। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में मैन को ही पार करा देता है। अब मैन को पार कराया तो मैन जिस ट्रेन में बैठा है उसका स्पीड ले लो, मैन दौड़ रहा है तो मैन का स्पीड ले लो, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पास अ पोल 18 and 12 seconds। सेम क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछ रहा है। तो सेम है, तो एल प्लस एल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चन में L और L तो यानी 2L तो हो ही गया। अब पहले का स्पीड होगा L by 18, L by 18 और L by 12, दूसरे का होगा L by 12, हो जाएगा या नहीं? मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है प्लस, अगर सेम डायरेक्शन होता तो माइनस करते, L L तो कैंसिल हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल 15 सेकेंड और अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। यानी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार करे, खंभा का लेंथ क्या होता है? जीरो, और उसको 15 सेकेंड में पार कर गया, यानी लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है, यानी स्पीड निकल गया। रेलगाड़ी खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई मालूम है, टाइम भी गिवन है, स्पीड मिल गया। और दूसरे डायरेक्शन से आ रही रेलगाड़ी को पार, यानी दूसरी गाड़ी भी आ रही है, तो ये तो ट्रेन L1 ये मालूम है ही, ये L2 हो गया, उसको पार करने में 12 सेकेंड, तो यहाँ पे L1 प्लस L2 निकलेगा, तो L1 गिवन है, L2 फाइंड कर लोगे। तो पहले वाले, लेकिन दोनों को लेना इसलिए जरूरी है कि पहले वाले से हमारा स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 150 बटा 54 किलोमीटर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब L1 प्लस L2, क्योंकि दूसरी गाड़ी को पार करी है, जैसे ही L1 प्लस L2 तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ही तो निकालना है, L1 प्लस L2 तो दिया हुआ है, सेम लेंथ है तो 150 हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाले का yes, तो टेन है और दूसरे वाले को वाई मान ले। yes, sir. यहाँ एल वन एल वन तो दिया ही हुआ, तो इसको नहीं लिखे, ऐसे लिखे,
तो स्पीड ही पूछ रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एल और एल तो ये है ही, तो यानी 150 मीटर पहले वाले का भी, दूसरे का भी 150 मीटर, और ये इज इक्वल टू पहले का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का वाई मान लेते हैं, और कितने समय में पार कर रहा है, तो 12 सेकेंड में, तो इससे वाई कितना आ गया, वाई आ गया 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, और ऑप्शन है किलोमीटर बराबर में, तो क्या करेंगे इनटू 18 बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो 54 आ जाएगा, 54 यस सर, 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये इजी था सर। आज और कल का वीडियो सेंड कर दीजिएगा ना, मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है, अब दोनों को हम सेंड कर देंगे, और एक क्वेश्चन और देखें इसके आगे का, उसके बाद क्लास को रोक देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 48 किलोमीटर पर आवर गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक रेलगाड़ी को जो 42 के स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, देखो जब आधा कर रहा है तो आधा मतलब पहला वाला अगर L है तो वो L by 2 होता, लेकिन एक का लेंथ हम लोग 2L मान लेंगे तो दूसरा L हो जाएगा। स्पीड मालूम है 48 और दूसरे का भी मालूम है 42, टाइम मालूम है, तो बताओ जब दोनों का ये मालूम, सबसे पहले हम लोग देखें एक का लेंथ 2L तो दूसरे का 200 मीटर सर, 200 मीटर क्या होगा, 2L और L 3L, और 3L इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले का सिर्फ 48 है और दूसरा विपरीत डायरेक्शन से आ रहा 42, तो 48 प्लस 42 तो कर ही लेंगे, अब इसको 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 12 सेकेंड में है, तो 18 बचे 90, 25 गुना 12 300, L कितना रहा है, L 100 आ रहा है, लेकिन हम एक को मतलब 2L माने हैं तो 200 होगा, 2L हो जाएगा 200। अब फिर यही रेलगाड़ी अगेन, ये 2L और अगले वाले को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं L1 L2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, तो पहले वाले का तो स्पीड है 48 इनटू 5 बाय 18 कर लो, और कितने समय में पार कर रहा है 45 सेकेंड में, तो इंटू 45, तो 2L यानी 200 तो यह है ही, तो ये 200 या नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, नीचे का दिख रहा है नहीं सर, हाँ सर आप आगे नहीं दिख रहा है सर, तो ये 200 वीडियो चला गया था सर, प्लस हम लोग L2 कर ले इज इक्वल टू स्पीड है कितना 48 पहले वाले का इनटू 5 बाय 18 इनटू टाइम, टाइम कितना है 45 सेकेंड, तो क्या देखकर लग रहा है L2 निकल जाएगा, ये 600 आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 200, 400 आएगा 400 मीटर, तो L2 आ गया 400. क्लियर, ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9, अब ये सब आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, तो इन सारे क्वेश्चंस का
और भी नए क्वेश्चंस का के साथ कल फिर हम लोग 7 बजे सर एक मिनट सर कल जो होमवर्क दिए थे ना उसमें 8 नंबर